हम इस वक्त झबरेड़ा में हैं। झबरेड़ा की राजनीति में चौधरी यशवीर परिवार का एक बड़ा अहम रोल रहता है। डॉक्टर गौरव चौधरी जो पूर्व विधायक झबरेड़ा के सपुत्र हैं और नगर पंचायत के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पहले ये बसपा में रहे, फिर कांग्रेस में रहे, उसके बाद आरएलडी में रहे और 2017 से जैसे ही बीजेपी सरकार आई इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन बीजेपी की कार्यशैली से त्रस्त होकर आज ये कुछ नया कदम उठाएंगे। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से आगे की राजनीति देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ वन इंडिया में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से उत्तराखंड की राजनीति को देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड की राजनीति दो ही पार्टियों पर डिपेंडेंट है, या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। और आजकल जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब निशंक जी चुनाव लड़े थे, जो हमारे सांसद भी हैं, उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी में मेरा आगमन हुआ था और एक आशा के साथ मैं यहाँ आया था इस पार्टी में कि कहीं ना कहीं एक हम विकास की बात करेंगे, एक एक सोच, एक विजन की बात करेंगे। लेकिन 3 साल के लगभग हो गए और जो कार्यशैली मैं झबरेड़ा विधानसभा में देख रहा हूँ, जो भगवानपुर विधानसभा में देख रहा हूँ, भगवानपुर विधानसभा में भी सुबोध राकेश जी पहले भाजपा में थे, आज बसपा में चले गए, तो कहीं ना कहीं कार्यशैली पे जो हमारा आम जन है, क्योंकि हम पोस्टर के या फेसबुक के नेता नहीं है, लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है, एक लोग उम्मीद से हमारे पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कार्यशैली से मैं बड़ा त्रस्त हुआ। तो आज अपने लोगों के बीच में एक मंथन हम रख रहे हैं कि भाई चुनाव आने हैं, कल को फिर हमें इन्हीं लोगों को जवाब देना है, तो हम क्या करें। नए साल पर 2022 में मुख्यमंत्री का आगमन झबरेड़ा में हुआ था, उन्होंने बड़ी सौगातें दी थी, आप भी मंच पे मौजूद थे, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से मैंने स्वागत करा था। मेरी कोई लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, किसी व्यक्तिगत विशेष से नहीं है, मेरी लड़ाई है कार्यशैली से और विचार से। अब माननीय मुख्यमंत्री को बाकायदा एक ज्ञापन रूप में, जो माननीय मुख्यमंत्री को योजनाओं की घोषणा करनी थी, ये पूरा पत्र है, इस पत्र के माध्यम से हमने झबरेड़ा विधानसभा के लिए उनको दिया था, जिसमें सर्व समाज का एक बहुत ही अच्छा योजनाएं एवं घोषणाएं थी। भाजपा के साथ रहे तो भाजपा का विधायक बनना, इस बार किसका विधायक बनने जा रहे हैं? देखिए, जनता जिसे चाहेगी विधायक तो वो बनेगा। जनता से हमारा आग्रह भी है, निवेदन भी है कि जो व्यक्ति काम करता हो उसे विधायक बनाना चाहिए, क्योंकि चाहे तो कितनी बड़ी पार्टी हो, जो जनप्रतिनिधि है वो कार्यकर्ता है। जैसे मान लीजिए हमारे माननीय निशंक जी बने, लेकिन मेरे ख्याल से गांव में आज तक किसी ने शक्ल भी नहीं देखी। धरातल के नेता को, चाहे वो किसी भी विधानसभा का हो, जो लोगों के दुख सुख में रहे, लोगों को उसे ही विधायक बनाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की कार्यशैली पे ऐसे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की बात करता हूँ, निसंकोच चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे अपने एक पारिवारिक संबंध सभी से। जहाँ तक कार्यशैली की बात है, माननीय मुख्यमंत्री की चाहे भाजपा के भी हैं, मैं उनकी जहाँ तारीफ करूँगा, जो अच्छे काम करेंगे उन्हें भी तारीफ करूँगा और जो गलत होंगे उन्हें भी कहूँगा, और जो हरीश रावत जी हैं उनकी जो कार्यशैली अच्छी होगी मैं उसका भी उन्हें प्रोत्साहन करूँगा। जैसे पिछली बार आपदा आई, आपदा में इतनी प्राकृतिक आपदा थी कि सारी यात्राएँ बंद हो गई, और उस लंगड़ी सरकार में, यहाँ तो फुल फ्लैश सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस लंगड़ी सरकार में हरीश रावत जी ने अपने आप को प्रूव करा। उसके बाद सरकार गिर गई, गिरने के बाद उनका कमबैक रिटर्न हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने उसको काम करा। और सबसे बड़ी बात एक रही मुझे, जो एक कहीं मेरे मन में थोड़ी सी पीड़ा है, वो ये रही कि हमको हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ा। आज मान लीजिए जो भाजपा में है वो कहते हैं कि वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अरे राष्ट्रवाद सब है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो राष्ट्रवाद है, कोई अगर गलत होगा वो हिंदू भी होगा और मुसलमान भी होगा, कानून मना है, सजा उसके लिए भी मिलेगी। चैंपियन साहब के बारे में क्या कहेंगे?
देखिए जहां तक चैंपियन साहब की बात है, निसंकोच वो बहुत बड़े लीडर हैं, इतने बड़े लीडर हैं कि उन्होंने उत्तराखंड को जो अपशब्द कहे, अगर मैं किसी पार्टी में और मेरी हैसियत ये होती कि मैं उनका टिकट देता या ना देता, तो शायद जिसने उत्तराखंड के प्रति टिप्पणी करी है, मैं जिसका खा रहा हूँ उसी थाली में छेद कर रहा हूँ, तो निसंकोच मैं उनको पार्टी से बना। देशराज करणवाल के बारे में क्या कहना? देखिए देशराज करणवाल के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो भी विवादों में ही घिरे रहे पूरे साल। अगर कहीं विकास करना है या कहीं चलना है, देशराज जी को ये विवाद हटाने चाहिए, अपनी भाषा शैलियों पर कंट्रोल करना चाहिए। हिंदू मुसलमान पर चुनाव चला गया था और ये यहाँ नहीं था, ये पूरे ही देश में था। एक जो स्थापित लीडर थे हर जगह, वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे लिंटर उड़ गए उस आंधी में, और हिंदू मुसलमान की तर्ज पे आकर जो मॉडर्न समाज था वो बसपा की तरफ भाग गया था, और जो हिंदू समाज था वो चैंपियन साहब। मुख्यमंत्री 2022 में उत्तराखंड का किसे देखने चाहिए? देखिए निसंकोच, अभी हम जिस पार्टी में भी रहेंगे या जाएंगे, ईमानदारी से उस पार्टी का ही मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। बीजेपी या कांग्रेस? देखिए ये आपने कहा कि दो ही पार्टियां हैं उत्तराखंड में, बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी में आज 5 साल से हैं आप, आने वाले जो सर्वे आ रहे हैं कांग्रेस की सरकार आती दिखाई दे रही है, तो इसीलिए किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री जी के नाम पे जो है ना वो थोड़ी ढुलमुल हो गई, उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। इतने बड़े प्रदेश पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते कभी, ये प्रदेश एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। निसंकोच अनमैच्योरिटी लेवल कहा जाएगा इसको। अगर आपको माननीय मुख्यमंत्री बनाने हैं तो एक सुलझा हुआ आदमी, एक जिम्मेदार आदमी जिसको अपने पद की गरिमा का और पद का पता वो होना चाहिए। आज मेरे लोगों के बीच में मेरी चर्चा चल रही है, बात चल रही है। देखिए अलग अलग नारे अलग अलग चीज़ के आते हैं, कांग्रेस अपना नारा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा दे रही है, लेकिन रोज मुख्यमंत्री बनना ना इस प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। निसंकोच ये निर्णय मुझे जी, आप शुरू से आपके साथ बात होती रही है, आप बोल्ड किस्म के इंसान हैं, एकदम साफ सुथरी बात करते हैं, साफ बोलते हैं। आखिरी सवाल ये है कि मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे, हरीश रावत या प्रीतम सिंह या फिर बीजेपी का? देखिए मैंने अभी आपको एक बिल्कुल सीधा बताया, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में बेईमानी नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है। मैं बिल्कुल सीधा बात करता हूँ कि मैं अपने साथियों के साथ जिस भी पार्टी का निर्णय लूंगा या जिस भी पार्टी में मैं रहूंगा, मैं उसी पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहूंगा। और पार्टी का निर्णय में चाहे तो पुष्कर सिंह धामी बने, चाहे हरीश रावत जी बने, चाहे प्रीतम सिंह बने, ये हाईकमान का निर्णय है। तो अभी पार्टी नहीं छोड़ रहे बीजेपी? देखिए अभी तो हमारा मंथन चल रहा है, हम लोग पीड़ित हैं, अपने लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, और अगर मेरा जनसमूह कहेगा कि पार्टी छोड़ो तो निसंकोच मैं पार्टी छोड़ूंगा, और मेरा जनसमूह कहेगा कि पार्टी मत छोड़िए तो मैं निसंकोच इसी पार्टी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव चौधरी जी, जिनका साफ तौर से कहना है अभी अपने जो क्षेत्र की जनता है, अपने साथी हैं, उनसे विचार विमर्श चल रहा है, जो भी वो निर्णय लेंगे पार्टी छोड़ना है या नहीं छोड़ना है उसके बाद ही ये क्लियर किया जाएगा कि कौन सी पार्टी में जाना है। हालांकि उनका साफ तौर से कहना कि बीजेपी की कार्यशैली से वो त्रस्त हैं, 5 साल में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदले, कोई खास काम नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं की और जुमलेबाजी की है। अब देखना ये होगा कि चौधरी परिवार झबरेडे में किसके सर पर हाथ रखता है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार झबरेडा।